तो हम बात कर रहे हैं अगली जो टॉपिक है, और टॉपिक है हमारा रिमूव टेक्स्ट टू कॉलम। हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में। तो डेटा मेनू बार में हमारे पास एक नया फीचर है टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नाम लिखा के सुजीत कुमार सिंह, तो इसको अलग अलग फील्ड में हमें करना है। टेक्स्ट टू कॉलम है और मुझे इसको अलग अलग फील्ड में करना है। तो याद होगा मैंने आपको लेफ्ट राइट मिड का फॉर्मूला बताया था, वो तो फॉर्मूला जी हुआ। सर। आपको अगर डायरेक्ट करना हो तो टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करें, और यहाँ पे दो चीजें हैं, एक फिक्स एक डिलिमिटेड। तो फिक्स क्या होता है कि आप अपने हिसाब से दे सकते हो कि हाँ यहाँ से अलग करें, यहाँ से अलग करें। आप यहाँ से अपना पोजीशन खुद फिट कर सकते हो, ठीक है। किसी करेक्टर से मतलब नहीं होता है, वो स्केल के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये चीज कहाँ होती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक डेटा है उसमें आईडी को अलग करना है, आईडी का 6 डिजिट है और सबसे स्टार्टिंग में है, तो आप उसके हिसाब से कर लेंगे क्योंकि लेंथ फिक्स लेंथ है उसका। लेकिन यहाँ पे हमें फिक्स लेंथ पे नहीं करना है, हमें करना है एक पर्टिकुलर करेक्टर के बिहाफ पे। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये अलग हो, मतलब कि स्पेसिस के बिहाफ पे, तो मैं डिलिमिटेड पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैंने स्पेस को सिलेक्ट कर लिया। इसमें और भी है, जैसे स्पेस है, सेमी कॉलन है, कॉमा है, अदर में जैसे कि कोई और करेक्टर जैसे कि @ और कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे करेक्टर है, या कोई आपका अल्फाबेट है या स्पेशल करेक्टर है, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो क्या है, स्पेस है। फिर मैं इसको नेक्स्ट करूंगा एंड फिनिश करूंगा, अलग हो गया, ठीक है जी सर। सर। ये तो है ही, लेकिन कुछ जी और जी चीजों के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने राइट क्लिक किया और मैं इसको फॉर्मेट सेल में लिंक कर देता हूं, मैं इसको नंबर में जाता हूं और इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे हम अपने नंबर्स को लिखता हूँ। अभी जो नंबर टाइप हो रहा है वो क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है, हाँ तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप +0 या वैल्यू का फॉर्मूला या नंबर वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं, तो अगले कॉलम में लगाना पड़ता है ना। मैं चाहता हूँ कि यही नंबर जो है जी मेरा चेंज हो जाए, मैं अलग कॉलम इंसर्ट ना करूं। तो यहां पे क्या करेंगे, हम टेक्स्ट टू कॉलन का इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलन, और कुछ नहीं करेंगे, फिनिश कर देंगे। सॉरी माफ कीजिएगा, पहले इसका ये हटाना पड़ेगा ना, टेक्स्ट फॉर्मेट सेल में मैं यहां इसको नंबर कर देता हूं, तो कहीं से अगर आप आपका नंबर आता है टेक्स्ट में आ रहा है और उसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपल सा टेक्स्ट टू कॉलन यूज कर सकते हैं, या फिर Alt+D+E+F शॉर्टकट है इसका। हो गया कन्वर्ट सर। जी सर। तो मैंने यहाँ पे अलग, मतलब कि आपने देखा यहाँ पे कि मैं टेक्स्ट जो है हमारा सिंगल कोट लगा के लिखा हुआ है, और जैसे मैंने इसको किया Alt+D+E+F, इसका शॉर्टकट होता है, कन्वर्ट हो गया टेक्स्ट टू कॉलम का। सर लिख दीजिए एक बार सामने में। अरे सर सिंपल सा है कि ये लिखना क्या है, ऑल्ट दबाते हैं तो मेनू बार हो गया, डी फॉर डेटा, ई से, ये 2003 का है सर समझे, ई से आपका टेक्स्ट टू कॉलम आ जाता है, या फिर आपका जो Alt+A+E, समझ गए, Alt+A+E भी कर सकते हैं, और आप ये Alt+D+2003 वाला मेथड भी अपना सकते हैं, या फिर आप इस पे इसी पे क्लिक करके कुछ नहीं करना है, बस फिनिश कर देना है। हो गया सर। और दूसरा, अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई डेट है कुछ इस तरह से लिखा हुआ, देखिए होता है ना सर, मुझे इसको डेट फॉर्मेट में लेके आना है, क्योंकि ये डेट नहीं है, टेक्स्ट है।
तो आप लोग बोले हैं कि मैं डॉट को स्लैश कर दूं, तो भी नहीं, क्योंकि ये 20 क्या है, 20 को महीना ले लेगा वो, क्या ले लेगा, महीना। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं Alt D E या फिर टेक्स्ट टू कॉलन या Alt A E, शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। Delimited को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ डेट को सिलेक्ट करके एम डी वाई की जगह पे डी एम वाई को सिलेक्ट करेंगे एंड फिनिश कर देंगे। ठीक है, डेट बन गया। या हो सकता है कभी कभी हमें इस तरह से भी आता है, जैसे आज का डेट है 2019-05-30, समझे सर? तो ईयर मंथ डे के रूप में इस तरह का भी डेट समय रिसीव होते हैं कई सारे सॉफ्टवेयर से। अब इसको डेट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी आपको टेक्स्ट टू कॉलन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहां पे एम डी वाई के जगह पे वाई एम डी कर दीजिए, वाई एम डी एंड फिनिश, आपका ये नंबर डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट होगा तो फोन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है?